हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल रोहन द रॉकस्टार, आपका वेलकम। तो गाइस प्लीज, डॉक्टर अक्षित महाजन आपके सामने बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा। बस आपको जो जो क्वेश्चन पुट किए थे आपने, मैं सारे जवाब मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा, तो प्लीज़। ओके, तो डॉक्टर साहब अक्षित महाजन जी, आपने हम आप क्या कहोगे घबराहट के बारे में कि घबराहट बेचैनी क्यों होती है? देखिए, घबराहट एक मानसिक तरह की बीमारी है, जिसमें घबराहट में क्या होता है कि बंदे को घुटन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, पसीना आना, जिसे छाती में दर्द होता है, कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, घबराहट बेचैनी वगैरह होती है, घुटन होती है और हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो एक जगह टिक के ना बैठना, तो ये एक ये सिम्टम पाया जाता है। जैसे एकदम एक कहते हैं कि डर लगना कि कुछ हो जाएगा मेरे साथ, कि हाय कहीं मैं कहीं सिचुएशन में जाऊँगा, मुझे एकदम डर लगना कि बंद कमरे में डर लगता है, कई सिचुएशन में मैं डर जाता हूँ, तो ये एक घबराहट की बीमारी में मैं बताना चाहूँगा। तो गाइस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, प्लीज़ इस बात को फॉलो करो और सुनो उन्होंने क्या बोला, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। मैं उनके बात से पूरी सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी उनका पेशेंट हूँ और मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी, तो मैं मुझे बिल्कुल ठीक हुआ। तो आपने कमेंट किया था कि डॉक्टर साहब खाने पीने में परहेज क्या खाएं, जो घबराहट बेचैनी, खाने पीने में क्या क्या खाना चाहिए? देखिए, जो पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको घबराहट बेचैनी होती है, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि घबराहट का कारण क्या है, कि घबराहट किस वजह से हो रही है। सपोज़ कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं घबराहट हो रही, पहले हमें ये देखना पड़ता है कोई बीपी बढ़ रहा है, या सपोज़ एक और जिसे हमें देखते हैं कि सपोज़ बीपी बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कई बार टेंशन की वजह से एकदम बीपी, जैसे कई बार क्या होता है कि घबराहट बेचैनी एकदम हो जाती है। तो जैसे घबराहट में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि यह होता है कि एक तो होता है कि खाने में जैसे अच्छे से खाना पीना, जैसे मिल्क वगैरह, जैसे पानी वगैरह खूब पिए। दूसरी बात ये होती है फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, जैसे आप प्रोटीन वगैरह जैसे आप लेते हैं खाने में अच्छे लें, स्पाइसी ऑयली फूड कम से कम लें, ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे आप एक और ये टिप्स बताना चाहूँगा कि जैसे एंग्जाइटी, जैसे डर, इसको हम कैसे ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं, कि एक होता है कि जैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम, वॉक कीजिए जितना हो सके, पानी से पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और क्या कर सकते हैं हम, वॉक करें, जैसे जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, बेस्ट होता है। और जितना हम हंसेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, मतलब एक होती लाफिंग एक्सरसाइज, जिसे हम खुश रहे, हाँ हाँ जैसे हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो विल हेल्प यू टू रिलीव एंग्जाइटी ऑल्सो। तो जितना, और ये होता है कि जितना हम कम, जैसे कोई भी बात स्ट्रेस कम लेते हैं, कुछ भी अगर लेंगे, तो उसका जैसे सपोज अगर हमें लगता है हम स्ट्रेस कम नहीं कर पा रहे, तो बेटर होता है कि हम कई मेडिसिन से सहारा हो सकता है, दूसरा होता है काउंसलिंग का सहारा होता हो सकता है, तो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का। तो हम कई मेडिसिन से, हल्की सी मेडिसिन कर सकते हैं, या फिर काउंसलिंग के सेशन जैसे हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं काउंसलिंग के, अगर जैसे अगर आप मेडिसिन, कई पेशेंट होते नहीं लेना चाहते, कई लोग लेना चाहते हैं, जी जी जी, तो उसके क्या होता है कि अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, उसमें क्या होता है CBT होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो भी एंग्जाइटी को कम करती है। साइकोथेरेपी होती है, तो जिसे एजुकेट करना हमारे फैमिली मेंबर्स को, उन पेशेंट को खुद बताना कि ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंग्जाइटी की है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ बुरे विचार आते हैं कि मैं कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं मेरे माइंड में कि मैं कुछ कर दूंगा, मैं आगे फ्यूचर में बारे में सोचता हूँ कि मैं कुछ आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता, फीलिंग ऑफ एप्रिहेंशन, मुझे कुछ डर लगना कि कुछ हो रहा है, तो बेटर होता है एक बार हम फैमिली मेम्बर्स को समझाएं इसकी बीमारी में, और उसके बारे में जैसे हम पेशेंट को भी समझाएंगे, तो इसका प्रॉपर इलाज संभव होता है। ओके, थैंक यू। मैं एक जो मेरे क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप जैसे कि लोग संसार में आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं, आत्महत्या ज़्यादा कर रहे हैं, उनको लगता है कि किसी को फैमिली की प्रॉब्लम होती है, किसी को लव का प्रॉब्लम होता है, तो किसी को काम का प्रॉब्लम होता है, किसी को टेंशन होता है, तो ज़्यादा आत्महत्या करते हैं वो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो उनकी मानसिक प्रॉब्लम है, कि उनको कैसे बचाव करना चाहिए खुद से, कि लोग ऐसा ना कहें, कुछ बताइए। देखिए, जिनको लोगों को बीमारी जैसे ऐसे होता है, बुरे विचार आते हैं कि स्ट्रेस नहीं जो झेल पाते हैं, बेसिकली उनको एक ये होता है, एक सहारा होता है कि पहले तो फैमिली मेम्बर उनको समझाएं, अगर फिर भी नहीं लगता, वो नहीं समझ पाते कि उनको ये कंट्रोल नहीं, घर पर नहीं हो पाते, एक बेटर होता है कि आप नियर बाय कोई साइकेट्रिस्ट से मिलिए, उनसे एक बार सलाह लीजिए, काउंसलिंग कराइए, और एक बार मेडिकेशन हमें ज़रूरत लगती है तो एक बार ज़रूर स्टार्ट कीजिए। ओके सर, क्वेश्चन है कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कि काउंसलिंग जरूरी है, कि काउंसलिंग एक जरूरी है कि पूरी फैमिली की जरूरी है?
काउंसलिंग सबसे पहले ये होता है कि पहले पेशेंट को बताया जाता है उसको बहुत जरूरी रहेगी। दूसरी बात होती है उसके फैमिली मेंबर्स को भी समझाना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पाते, तो उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो पेशेंट को भी जरूरी है और साथ में फैमिली मेंबर्स को बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर डॉक्टर, जो एक्चुअली प्रॉब्लम है जो घबराहट की बेचैनी की, सांसें फूलना, सूखापन, पसीना आना, इसको तो घबराहट है। तो एक्चुअली जब लोगों को जब घबराहट आता है, बेचैनी आता है, तो लोगों को उस वक्त क्या करना चाहिए जिसको लोगों को आराम मिल जाए? जैसे देखिए, दो तरह की एंजाइटी, डर होता है। जैसे सपोज अगर मुझे किसी एग्जाम का फियर है या कोई काम का स्ट्रेस है, उस टाइम नॉर्मल एक डर होना, एक एंजाइटी होना, दैट इज अ नॉर्मल। बट अगर हमें कॉन्स्टेंटली, जैसे काफी टाइम से लगातार हो रहा है, जी, बार बार हमें हुई जाती है बीमारी से, सपोज जैसे एक बार एक एपिसोड हुआ है कि हमें एकदम डर लगा, कुछ हो गया हमारे साथ, हाय मैं तो गया, मुझे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, हॉल पड़ रहा है, एक बार जैसे दोबारा अगर आपको ये एपिसोड दोबारा आते ही हैं, तो डेफिनेटली आप एक कंसल्ट कीजिए। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली एक होती है, ये प्रॉब्लम को एक नॉर्मल हमें एंग्जाइटी, ये डर होना, चाहे किसी का एग्जाम का प्रेशर है या कोई हमें जॉब का प्रेशर है, कोई इंटरव्यू का, दैट इज अ नॉर्मल। बट उस टाइम वो टेम्पररी आता है, ये अगर परमानेंट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एंग्जाइटी, जिसको हम एंग्जाइटी कहते हैं, उसका एक इलाज होता है, या आप कंसल्ट कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू साहब। चिंता, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं मिस्टर परमेश शर्मा कि आपको क्या लगता है कि जो प्रॉब्लम है कि मानस हॉस्पिटल में सेक्स, डिप्रेशन, दौरे, नशा मुक्ति केंद्र, तो फिर इन सब सिस्टम के अलावा आपको क्या करना चाहिए? कि मतलब इसमें ही निर्भर है कि आपको डॉक्टर अक्षित महाजन से बात करने की जरूरत है कि उनसे काउंसलिंग करें, आप क्या कहोगे? मेरे हिसाब से ये है कि जिनको प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो हॉस्पिटल में विजिट करें। हमारे काउंसलर होते हैं, वो आपसे पहले बात करते हैं, वो आपका जैसे हल ढूंढेंगे, फिर हम आप हमसे बात कर सकते हैं, चाहे अगर आप फ़ोन में बात करना चाहते हैं सबसे पहले। ये दूसरी बात है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम के कि ये मुझे सारी प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, कुछ प्रॉब्लम आती है, नींद की प्रॉब्लम आती है, तो बेटर है एक बार आप विजिट कीजिए, या फैमिली मेम्बर्स को साथ में आप लेकर आइए, या फ़ोन में कंसल्ट कर सकते हैं, आप राय ले सकते हैं डेफिनेटली। देखिए सर, मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर अक्षित महाजन बहुत ग्रेट डॉक्टर है, उन्होंने आपको सारी बीमारी की प्रॉब्लम मिनट में समझा दी है। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इनका पेशेंट हूँ, और बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मैं, हाँ मुझे समझाया, हाँ मैं ठीक हो चुका हूँ। तो जिन जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ डॉक्टर अक्षित महाजन से प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, वो हमारे सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपका वादा पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।